गिरफ्तार किए गए पीएफआई के चार सदस्यों को भोपाल के एनआईए कोर्ट में किया गया पेश। चारों पर विदेशी फंडिंग और टेरर फंडिंग का आरोप। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का समाराधना कार्यक्रम आज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत पक्ष विपक्ष के कई बड़े नेता होंगे शामिल। शंकराचार्य के इच्छा पत्र का भी होगा वाचन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मंडला और बिछिया दौरा आज। नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जुटाएंगे समर्थन। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी साथ रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया हवाई सर्वे। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का किया निरीक्षण। नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव में भी करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों ने नेशनल हाईवे पर किया जाम। 21 से 27 सितंबर तक स्थापना दिवस मनाने का किया आह्वान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में दूसरा टी20 मुकाबला आज। प्लेइंग 11 में जसप्रीत बुमराह को मिल सकती है जगह। पहला मैच हार चुकी भारतीय टीम के लिए करो या मरो का मुकाबला। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। पीएफआई पर एनआईए का शिकंजा। जी हां, इंदौर और उज्जैन से संदिग्ध गिरफ्तार पीएफआई के लोगों को राजधानी भोपाल के एनआईए कोर्ट में पेश किया गया और इसके पहले भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में चारों आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। एनआईए की टीम आज सुबह करीब 10 बजे एक निजी टूरिस्ट बस से चारों आरोपियों को हॉस्पिटल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया और इसके बाद एनआईए की टीम पीएफआई के लीडर्स को लेकर कोर्ट पहुंच गई, जहां विशेष न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल की कोर्ट में पेशी हुई है। दरअसल बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात एनआईए की टीम ने इंदौर और उज्जैन में छापामार कार्रवाई करते हुए पीएफआई के चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। सभी पर टेरर फंडिंग हासिल करने का आरोप है। तो बता दें आपको, देश भर में एनआईए ने कार्रवाई की है। पीएफआई के ठिकानों पर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। टेरर फंडिंग और विदेशी फंडिंग के मामलों में चार आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। उज्जैन और इंदौर से ये चारों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका राजधानी भोपाल में मेडिकल परीक्षण कराया गया और एनआईए कोर्ट में भी उन्हें पेश किया गया है। आपको बता दें, इन चारों आरोपियों पर टेरर फंडिंग और विदेशी फंडिंग का आरोप है। तो देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर कार्रवाई लगातार जारी है और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुमार संदीप हमारे साथ इस वक्त सीधे कोर्ट से लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, अभी क्या तस्वीरें मिल रही हैं वहां पर? चारों जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या क्या आरोप उन पर लगे हैं? जी बिल्कुल, देखिए वर्षा, एनआईए कोर्ट में उनको ले जाया गया है। हालांकि अभी बिजली बंद है, इसलिए सुनवाई जो है अभी थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है। इसके पहले जो पीएफआई के लीडर्स हैं, उन्हें इंदौर और उज्जैन से भोपाल लाया गया था। चूंकि भोपाल में एनआईए की विशेष अदालत है, ऐसे में इंदौर और उज्जैन के जो चार पीएफआई के लीडर्स हैं, जिनको संदिग्ध गतिविधियों के अलावा जो टेरर फंडिंग है, इस मामले में गिरफ्तार किया है एनआईए ने और उसके बाद यहाँ कोर्ट में पेश किया गया। आप इस देख सकते हैं कि कोर्ट परिसर में काफी जो हलचल है इसको लेकर है और जो एक जो एनआईए की एनआईए है, उन्हें एक निजी टूरिस्ट बस से लेकर आया गया। आप देख सकते हैं, इस वक्त ये निजी टूरिस्ट बस से उनको लाया गया है। इसके अलावा जिला कोर्ट में जो है रघुवीर प्रसाद पटेल, जो कि एनआईए जज है, वो यहाँ पर सुनवाई करेंगे। निश्चित तौर पर माना जा रहा है वर्षा कि जिस तरह से इन पर आरोप लगे हैं, जिस तरह से टेरर फंडिंग और जिहादी गतिविधियों में शामिल होने की बात सामने आ रही है, तो इसको लेकर एनआईए कोर्ट में जो रघुवीर प्रसाद पटेल है वो सुनवाई करेंगे और एनआईए ने इनकी रिमांड की मांग भी कर सकती है। संदीप, राजधानी भोपाल में भी क्या कुछ ठिकानों पर ये कार्रवाई हो सकती है?
जी बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में भी जो है जो इन अलग अलग जगहों के लोग हैं, जैसे इंदौर और उज्जैन के जो भी पीएफआई के लीडर जो संदिग्ध हैं उनको लेकर जो है भोपाल में कल भी एटीएस ने दबिश दी थी, कॉम्बिंग की थी। हालांकि भोपाल से अभी तक जो पीएफआई का कोई भी सदस्य उसको ना ही संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, ना ही किसी तरह से भोपाल में जो कनेक्शन है भोपाल का वो सामने आ रहा है। कुल मिलाकर मालवा क्षेत्र में जरूर ये जो आतंकी हैं चार वो पकड़े गए और उन्हें ही लेकर आज वर्षा कोर्ट लेकर एनआईए आई है। जी बिल्कुल संदीप, अभी तक चार आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, लेकिन क्या दबिश अभी भी जारी है और भी इसमें लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, या इन चारों आरोपियों से पूछताछ करने के बाद एक बार फिर से नए सिरे से यहाँ पर जांच की जाएगी एनआईए की तरफ से? जी बिल्कुल, जो चार आरोपी हैं इंदौर और उज्जैन से लाए गए उनसे निश्चित तौर पर वर्षा पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद कई और खुलासे हो सकते हैं, कई और संदिग्धों के नाम। और इस मामले को लेकर जिस तरह से पूरे देश भर में 106 पीएफआई के लीडर्स को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद जो है भोपाल जो एटीएस है वो भी प्रदेश की वो भी अलर्ट मोड पर है और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जब इनसे पूछताछ होगी या सबूत सामने आएंगे या इनका जो नेटवर्क है या जो साहित्य है या जो दस्तावेज है, अगर वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि यहाँ पर भी और भी प्रदेश के कई हिस्सों में या राजधानी भोपाल में पीएफआई के लीडर्स हो सकते हैं, कार्यकर्ता हो सकते हैं, तो उसको लेकर भी देखने वाली बात होगी कि कौन कौन वो नाम है जो सामने आएंगे जो पीएफआई से जुड़े हुए हैं, टेरर फंडिंग के से जुड़े हुए हैं या जिहादी एक्टिविटीज में शामिल रहे हैं। जी लेकिन इन जो चार आरोपियों के खिलाफ ये कार्रवाई गई है, क्या एनआईए की टीम को कुछ पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं उसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है? जी बिल्कुल वर्षा, एनआईए और आईबी दोनों का ही ये होम मिनिस्ट्री ने इसकी जांच को लेकर काफी 2 महीने पहले से तैयारी कर रखी थी, जब कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या की गई थी उसमें पीएफआई का कनेक्शन सामने निकल कर आया था, तभी ये फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में बैठक कर लिया गया था। चाहे बात की जाए एनआईए की आईबी के अफसरों की, सभी ने मिलकर इसको लेकर एक प्लान चेकआउट किया था। उसके बाद देश भर में ये पूरे छापेमारी हुई और 106 कार्यकर्ता जो है और लीडर्स पीएफआई के उनको गिरफ्तार किया गया है। अब देखना ये होगा कि और क्या क्या कनेक्शन सामने आते हैं, किस तरह के जो सबूत है वो एनआईए कोर्ट में पेश करती है और उसके आधार पर किस तरह से आगे बढ़ती है, क्योंकि जो एनआईए है वो रिमांड मांगेगी इन सभी आरोपियों के, रिमांड के बाद जो पूछताछ में निकल कर सामने आएगा इसके बाद कई और गिरफ्तारियां होने की संभावना भी जो एनआईए हो जाएगा। आखिर और कौन लोग हैं इसमें और कितने लोगों की आगे गिरफ्तारी होगी, एनआईए क्या कार्रवाई करेगी, ये बहुत देखना अहम हो जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संदीप। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज डिंडोरी दौरा है। सीएम शिवराज के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद रहेंगे। सभी बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद हिनौता पंचायत में हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करेंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आए हैं और उन्होंने सुबह सागर जिले की समीक्षा बैठक ली। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के अधिकारियों से बात की और सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि जिले का विकास कैसे आइडियल हो सकता है, पूरी टीम को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए। हमारा बहुत प्रमुख जिला है, बड़ा जिला है, हमारा नेतृत्व भी प्रभावशाली है और इसलिए जिले का विकास भी कैसे आइडियल हो सकता है पूरी टीम को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए। चाहे वो डेवलपमेंट के काम है वो निश्चित समय सीमा में पूरे हो और चाहे वो जन कल्याण की योजना है उनके क्रियान्वयन में कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
जबलपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत के मस्जिद जाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट सोच शुरू से ही है, मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं। हम किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नहीं हैं, हम रहीम और रसखान के उपासक रहे हैं। टेरर फंडिंग पर एटीएस और एनआईए के छापे पर कहा है कि कल कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और कार्रवाई लगातार जारी है। सोच ये है कि मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं, हम किसी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं है, ये इसी बात का द्योतक है। हम तो रहीम के उपासक रहे, रसखान के उपासक रहे, जो रहीम कहते थे कि दूर लेत सर पे धरे कहो रहीम के ही काज, जही रजमुन पुतनी तजीते ही ढूंढे गजराज। हम रसखान के उपासक रहे हैं जिसने कहा था कि मानुष हो तो वही रसखान बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन बीच। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है और इसलिए श्रद्धेय का माननी का जाना निश्चित रूप से बहुत अच्छा संकेत है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जबलपुर पहुंच गए हैं। वे पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक के बाद गोटेगांव स्थित झोतेश्वर जाएंगे, जहां ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और नरसिंहपुर से खबर, जहां जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के समराधना कार्यक्रम में प्रदेश के कई बड़े नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल समेत कई अन्य बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 11 सितंबर को ब्रह्मलीन हुए थे। कांग्रेस नेता मुकेश नायक पन्ना दौरे पर पहुंचे, जहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए उनके बोल बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि जिले का सीईओ मंत्री के यहां टॉयलेट साफ करता है। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की खामियां और घोटाले गिनाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मंत्री जी के खिलाफ गए। सीईओ जो है ना, वो मंत्री जी का टॉयलेट साफ करता है, मुझे जानकारी है। महिला और बाल विकास विभाग को लेकर 118 केंद्रों पर जो उन्होंने शिकायत की है कि यहाँ पर उपभोक्ता सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, आहार पोषण का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है? मंत्री काय के लिए बनाया है इनको मुख्यमंत्री ने? सोते रहने के लिए बना। ग्रेटर नोएडा के जहांगीरपुरी में यमुना प्राधिकरण में 765 केवीए बिजली सब स्टेशन बनाने के लिए प्राधिकरण ने जरूरत से ज्यादा जमीन खरीद ली। इस जमीन खरीद फर्जीवाड़े का सीएजी ने बड़ा घोटाला पकड़ा है। सीएजी ने इस घोटाले को यूपी विधानसभा में पटल पर रखा। बताया जा रहा है कि घोटाला सपा सरकार के दौरान यमुना अथॉरिटी में किया गया, जिसमें 17,000 करोड़ के इस घोटाले में कई अधिकारियों नेताओं की मिलीभगत सामने आ सकती है। इस घोटाले की जांच के लिए विधानसभा की समिति के सामने कार्रवाई के लिए सरकार की ओर से भेजा गया है। बलरामपुर में आजादी के बाद से इंडो नेपाल बॉर्डर के पास स्थित ग्राम पंचायत तेंदुआ नगर के भदवार गांव से गोहनवा तक पक्की सड़क नहीं होने पर ग्रामीणों ने सड़क बनाए जाने की मांग की। आपको बता दें कि सड़क बनाने की अनुमति वन विभाग से नहीं मिल पा रही है।
ग्रामीण करीब 10 वर्षों से जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद और जिले के अधिकारियों को लगातार प्रार्थना पत्र सौंप रहे हैं। ग्रामीण सड़क नहीं तो वोट नहीं मतदान का भी बहिष्कार कर चुके हैं। कच्ची सड़क होने से अंधेरे में कई लोग गिरकर घायल हो जाते हैं। रात में ग्रामीण जंगली जानवरों से डरे रहते हैं। रात में टॉर्च के उजाले से अपने घरों की रखवाली करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कोई घटना हो जाने पर अधिकारी गांव तक नहीं पहुंच पाते। रास्ता के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं और हमारे रास्ता ऐसा ऐसा कुछ मामला पहले हो चुका है कि आदमी वहां पर मर चुके हैं लेकिन हम अस्पताल को नहीं पहुंचा पाए और आने जाने में हम लोगों की इतना तकलीफ पड़ता है कि हम लोगों को कोई रास्ता नहीं मिलता है और हम लोग अपना संकट उठाए हैं और अगर जब तक हम लोगों को मिलेगा नहीं कुछ निर्णय तब तक हम लोग यही रास्ता चलेंगे। जी, हमारे ग्राम पंचायत खंडवा नगर में जो राजस्व गाँव ग्राम हमारा भदवार है वहाँ जाने के लिए लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर ही कच्ची मार्ग है, उसकी इतना रास्ता खराब है कि हम लोग जा नहीं पाते हैं। बरसात में जब बरसात थोड़ा सी भी बरसात हो जाती है तो आने जाने में बहुत परेशानी होती है। ग्रेटर नोएडा में ग्रैंड ओमिक्स सोसाइटी में 9वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत हो गई है। घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरने से मौत हुई है या सुसाइड, इसकी जाँच की जा रही है। और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की प्रेस वार्ता शुरू हो गई है, नियुक्तियों को लेकर गठित समिति की रिपोर्ट की जानकारी दे रही हैं। वहां पर भी देखेंगे कि वो किस तरह से लगाए गए और उनके प्रमोशंस में किस तरह से प्रमोशंस किए गए, लेकिन उसमें मुझे लीगल ओपिनियन लेना होगा क्योंकि वो लोग रेगुलर हो चुके हैं। समिति ने जांच की है तो ये लिखा होगा कि पदों की स्वीकृति शासन से किस स्तर पर मिली, क्या विचलन से कोई आदेश हुआ है? पदों की स्वीकृति शासन से ही मिलती है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। हम पद क्रिएट होता है और पद क्रिएट शासन करता है तो शासन से इसके द्वारा वित्तीय सुविधा भी नहीं थी पदों की, फिर बाद में वो दी गई, क्या इस तरह का कोई नहीं, इस तरह की कोई, आपको मैंने जैसे कहा आपसे पहले भी मेरी मुलाकात हुई और अब मैं दोबारा से इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, मेरी समिति का जो मैंडेट था वो केवल ये था कि नियमों के तहत ये भर्तियां हुई हैं कि नहीं, जांच पर पाया गया है कि नियमों के तहत ये भर्तियां नहीं हुई हैं, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष होने पर मैं इन जो हमारी भर्तियां हैं इन्हें मैं इसी वक्त तुरंत ही इन्हें खत्म करती हूँ, निरस्त। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको लेकर के विधानसभा, देखिए मेरी जांच का मैंडेट नहीं, आप सवाल मुझसे मेरे जांच की मैंडेट का पूछिए ना, आप मुझे बताया ना मैंने आपको। वो अभी उसमें भी जांच हो रही है, वो आगे की बात है, अभी हमने केवल ये जो भर्तियां हुई उस पर बात की है, प्रमोशन पर भी हम लोग उस पर भी भविष्य के लिए कोई मैकेनिज्म आपको मैंने बताया, अभी मैंने आपको बताया ई ऑफिस होगा, डिजिटाइजेशन होगा, राइट साइजिंग का मतलब आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि इस विधानसभा को गैरसैंण और देहरादून की विधानसभा को कितने लोगों की जरूरत है। मैडम, वो राइट साइजिंग जानना चाहेंगे, क्या आप ऐसा कोई प्रोविजन करने भी जा रही हैं कि इसमें बहुत बड़ी जब की है जो भी आपने 3 बार की निरस्त कर दी है, तो क्या विधानसभा अध्यक्ष के जो इस तरह के जो राइट है रिपोर्ट में मैंने आपको जो कहा उनका जो मैंडेट था उन्होंने वो किया है, हमने उनको और कोई मैंडेट नहीं दिया था एक्सेप्ट कि नियमों पे वो जांच करें। अब ये चीजें आगे देखेंगे क्या क्या चीजें आती हैं उसको फिर आगे देखा जाएगा। आगे ये पूछना चाह रहे थे जो वर्तमान जी भी पूछ रहे थे, एक चीज ये क्लियर कर दीजिए कि क्या किसी विधानसभा अध्यक्ष को ऐसा कोई राइट होता है कि जब चाहे जितनी भर्ती कर लेने इस देश में किसी को कोई ऐसा, वी आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ फ्रेमवर्क,
उस फ्रेमवर्क के तहत आप लोग काम करते हैं और हम भी काम करते हैं। तो ये इससे ज्यादा और मैं क्या अंकिता भंडारी वाले प्रकरण में क्या पार्टी ने विज्ञापन निकाला था, निरस्त हो गया, वो भी कोविड के समय आपने हजार हजार रुपए उनसे लिए, तो क्या मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी कि हम उसको देखेंगे, उसको हम देखेंगे और मैं बिल्कुल बच्चों को और सबको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जो फीस ली गई है या तो वो वापस होगी और नहीं तो दोबारा से एग्जाम लिए जाएंगे। कोर्ट में किसी और कारणों से, इस कारण से नहीं है, वित्तीय निमित्तता के कारण नहीं है, वो किसी और कारण से था। अंकिता भंडारी वाले प्रकरण में क्या एक और बहुत इम्पोर्टेंट केस अंकिता भंडारी का आप लोगों ने सुना होगा। इट इज अ वेरी सैड सिचुएशन क्योंकि वो डोब की है, पौड़ी की है, मेरा मायका है, तो वहां से मुझे खबर आई थी और उस दिन मैं क्योंकि डीएम और एसपी साहब पौड़ी के साथ में बैठी हुई थी तो तुरंत हमने पटवारी से केस को शिफ्ट करवाया था थाने में। और कल जो पता चला, आज सुबह भी मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है कि पकड़ धकड़ हुई है, कुछ लोग पकड़े गए हैं और पूरी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली अंकिता नहीं मिल पाई है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत बढ़िया तरीके से कार्य हो रहा है और अभी डीजीपी साहब से भी मेरी इस बारे में उनको मैंने बुलाया है और उनसे भी मैं इस पर बात करूंगी और कड़ाई से इस पर जांच होनी चाहिए और बच्ची को ढूंढ के निकालना चाहिए। उसके पिता पूर्व दर्जा राज्य मंत्री रहे हैं, सरकार संरक्षण दे रही थी उसके पिता को। ऐसा नहीं, अब ऐसा है, देखिए हर चीज को हम कुछ अपनी निजी स्वार्थ तक ना लेकर आए, कुछ कारण होते हैं, कुछ चीजें होती हैं और आज के समय में कुछ ऐसा नहीं होता है कि आप दर्जाधारी थे तो ये था वो था। अगर कोई गलत है तो वो किसी का भी बच्चा हो, किसी का भी बेटा बेटी हो, वो गलत है, इसमें दो राय होनी ही नहीं चाहिए और ना होती है आज के समय में। अभी ये सब देखिए जांच का विषय है। मैं केवल जो मेरी समिति ने कहा था और आप लोग मेरे पास आ रहे थे बार बार, इसलिए कल रात को बहुत देर रात मुझे ये मिली है और बैठ के मैंने रात में पढ़ी है क्योंकि मुझे था कि आप लोगों को तो खबर होगी। यू विल श्योरली श्योरली वी आर ट्राइंग टू मेक इट एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल। दिस इज द रिपोर्ट बट टू हैंड इट ओवर टू यू आई विल हैव टू गिव मी सम मोर टाइम, थोड़ा सा सवाल उठा रही है समिति के ऊपर की विधानसभा अध्यक्ष की जांच नहीं कर सकती, हाईकोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, ये इस पर क्या? देखिए वो उनकी सोच हो सकती है, मैंने मेरी जो मंशा थी और जो समिति की जो हम मैं जानती थी कि समिति बहुत ही निष्ठा से एक इस प्रदेश के बड़े अफसर रहे हैं और निष्ठा से ईमानदारी से अच्छे से एक रिपोर्ट मेरे पास आई, वो हमारी भी मंशा थी और सभी की वो मंशा थी और वो रिपोर्ट आई है, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है। टिप्पणियां होती हैं, किसी को पसंद आ सकती है, किसी को नहीं आ सकती हैं, लेकिन मेरी मंशा मैंने आपके सामने रखी है और मेरी समिति ने, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ समिति को कि इतनी तेजी से काम करके शायद आई वॉन्ट टू से इतनी जल्दी इतनी सारी चीजों को पढ़ना देखना, मैं तो उनसे नहीं मिलती थी लेकिन मुझे जो अपने अफसरान से पता चला है कि दे आर सो गुड, अपने रूल्स और रेगुलेशंस में इतने वो ज्ञाता हैं कि उनको काम करते हुए देखकर हमारे भी अफसरों ने बहुत कुछ उनसे सीखा है। तो टिप्पणी होती है, किसी को अच्छी लगेगी किसी को बुरी लगेगी, लेकिन हमारा काम यह है कि हम इंस्टीट्यूशंस को कैसे बचाएं, इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रेंथन कैसे करें और मुझे लगता है इस रिपोर्ट के माध्यम से हम अपने इंस्टीट्यूशन को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से हम कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक इतनी जल्दी में मैं आप लोगों को इसका जवाब दे सकती हूँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।